दोस्तों टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस बारे में वीडियो बन रही है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कराची में पिछले 2 हफ्ते से मौसम कैसा VIP और फर्स्ट क्लास था, सब हर जगह घूमने जा रहे थे। लेकिन अब बड़े ही अफसोस के साथ मुझे यही कहना पड़ रहा है कि धूप निकल गई है और गर्मी भी वापसी आ गई है। कराची में धूप निकल तो गई है और इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हमारे कराची में हरामी कौओं की कमी नहीं थी, सही है, लेकिन इस गर्मी ने, जो गर्मी दोबारा आई है, इसकी वजह से कौओं का जो दिमाग खराब हुआ है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गए हैं भाई। हम लोगों का एक फ्रेंड्स ग्रुप है, उसमें यूट्यूबर्स भी हैं और गपशप लगाने के लिए फारिक दोस्त भी हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप, जो यूट्यूब पे और मतलब सारे मेरे दोस्त वगैरह है, उसमें से एक हमारे ग्रुप का मेंबर है, गर्ल्स साइड से लड़की है जो बहुत एंटरटेन करती है, बहुत मजाकी है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ग्रुप चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे कॉल पे, तो सीन कुछ यूँ हुआ कि बेचारी को बोलने जब भी लगी, जैसे जब भी बोलती थी वो कौवा काएं 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 करना शुरू कर देता था। एक्चुअली आप लोगों को वो वॉइस सुननी चाहिए क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है। देखो भाई, मैंने पहले तुम्हें बोल दिया था कि भाग जाओ यहाँ से, खुद नहीं भागे, फायदा आके बोली तो भाग गए। वाह, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरी इस ग्रुप में कोई वैल्यू ही नहीं, कोई भी नहीं है। पता नहीं ये वॉइस नोट कब पहुँच जाएगा। मेरे तरफ तो लाइट गई हुई है और यहाँ पे बारिश हो रही है। नहीं तुम बोल लो पहले। अबे कौवे के बच्चे गए, अब तू गए यहाँ से, बोले जा रहे अजीब। खैर छोड़ो। हाँ यार, अभी भी कौवा बोले जा रहे, देखो अभी भी बोल रहे। अभी जब मैं बोली फौरन से बोलना स्टार्ट कर रहे, पता नहीं अजीब बात है यार ये। नहीं तू बोल ले, आज आज मैं तुम्हारी वॉइस नोट सेंड करूँगा। अजीब दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मुंह के सामने आके बैठा हुआ है मेरे। बेचारी जो बोलना चाहती थी बेचारी बोल ना सकी, क्योंकि कौवे ने इतना कमीनापन दिखाया कि बेचारी बोल नहीं सकी। और एंड टाइम पे यही हुआ जो होना था, कॉल काट के चली गई। खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चीनों की तादाद में बहुत कमी होने वाली है, क्योंकि अब आसमान पर तो चीन नजर नहीं आ रही, आ रहे हैं तो सिर्फ हरामी कौवे। कौओं की तादाद में बहुत तेजी के साथ इजाफा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हरामी कौवे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने मास्क क्यों लगाया था, क्योंकि मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा सकता। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखने हालत देखने में थी। मैं वीडियो बना रहा था और इस हरामी कौवे की ही बात कर रहा था, इतने में मेरी अम्मी आ गई और मेरी अम्मी बोलने लगी बाहर से, आधा किलो दही लियो, वो जो हर किसी के घर में होता है। दही लेने में गया हूं, पता नहीं किस तरीके से उसको पता चल गया कि इन्हीं के बारे में वीडियो बन रही है। मैं बाइक चला रहा था और बाइक चलाते चलाते एकदम से मुंह पे आ गया, और मुंह पे आ गया तो इसकी इतनी बड़ी चोंच मेरे होंठ पे लगी है, बता नहीं सकता मैं ये हालत देने क्या कर दी है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। किसी अकलमंद ने ही कहा है कि जब बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगा लिया करो, सामने से पता नहीं कौन सी हरामी चीज आ जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये पास शेयर करें, क्योंकि अब कराची में इतने हरामी कौवे भरने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत हरामी कौवे आपको वाले। लड़को तक का रिकॉर्ड टूटेगा, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।